नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एमपी पटवारी के एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के उत्तर। तो हो जाइए तैयार दोस्तों, 22 अक्टूबर 2017 में आए हुए प्रश्नों के उत्तर को ध्यानपूर्वक सुने। पहला प्रश्न है दोस्तों, मेघदूत गार्डन कहाँ है? ये दोस्तों इंदौर में है। आगरा किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। ताजमहल भी उत्तर प्रदेश में ही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा। मनरेगा में पंजीकरण के लिए कितने शुल्क लगता है? 5 रुपया। हाँ दोस्तों, मनरेगा में पंजीकरण के लिए कितना शुल्क लगता है? 5 रुपया। कांग्रेस के 1885 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। मार्शल का नाम जिनका अभी हाल में ही निधन हो गया, वायुसेना के मार्शल अर्जन सिंह थे। बड़वानी की उत्तरी किनारे लगने वाली नदी का क्या नाम है? नर्मदा नदी है दोस्तों। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी कहाँ है? अमरावती। प्रसन्नता विभाग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत के तृतीय उपराष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। इस प्रश्न में बहुत सारे हमारे मित्र आंसर नहीं दे पाए हैं, मुझे बहुत दुख है, लेकिन क्या करिएगा, यही तो जीके जीएस का तांडव है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने कौन थे? वराहगिरी वेंकट गिरी। ये दोस्तों 24 अगस्त 1959 से 24 अगस्त 1974 तक अपने पद पर थे। जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद ही इन्हें बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई? छठा पंचवर्षीय योजना 12 जुलाई 1982 में हुआ था दोस्तों। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान कहाँ है? गुजरात में है। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या है 313। 103वीं साइंस कांग्रेस कहाँ हुई? 3 से 7 जनवरी 2016 को मैसूर विश्वविद्यालय मैसूर में हुआ था दोस्तों। सुकन्या योजना किससे संबंधित है? ये लड़कियों के शिक्षा के लिए है दोस्तों। ये बहुत सारे बीजेपी शासित राज्यों में लागू है, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश का एग्जाम था पटवारी का, तो ये मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो लड़की की शिक्षा और भविष्य के लिए पैसे बचाने के लिए ये दिया गया है। इसका डिटेल भी आपको मैं अभी ही बता देता हूँ दोस्तों। लड़की को जन्म के उपरांत 6 साल तक 6,000 रुपया दिया जाता है, 9वीं क्लास में दिया जाता है 6,000 रुपया, और 18 साल के बाद 1 लाख से ज़्यादा पैसा दिया जाता है उसके अच्छे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, A6 क्या दर्शाता है? एक्सेल। डॉक्यूमेंट की लास्ट में जाने का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+Ind। गूगल क्रोम क्या है? ये एक तरह से ब्राउजर है दोस्तों। याहू के संस्थापक जेरी यांग व डेविड फिलो ने जनवरी 1994 में याहू के स्थापना की थी। पूछा गया था कि याहू के संस्थापक कौन थे, तो यही इसका आंसर होगा दोस्तों। पहले दलित प्रेसिडेंट कौन थे? पहले दोस्तों देश के हमारे पहले प्रेसिडेंट तो राजेंद्र प्रसाद हुए, जो कि बिहार के थे, और पहले दलित प्रेसिडेंट K.R. नारायणन हैं, और वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं सौभाग्यवश वो भी दलित ही हैं। तो दलितों के लिए ये खुशखबरी है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने प्रश्न और उसके उत्तरों का समापन करता हूँ। आगे भी मैं आपके लिए इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मेरे YouTube चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हैं। गुड बाय।